कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, और सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप है। और इसी बीच कर्नाटक में इस समय जो है सियासी उठापटक जारी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफे की मांग की है यहां पर कि सिद्धारमैया जो है वो इस्तीफा दें, लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए, जो है लॉ ऑफ लैंड के लिए सिद्धारमैया को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। बीजेपी एमएलए रमेश जारकीओली की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है कर्नाटक के अंदर 2 महीने के अंदर कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि 2 महीने के अंदर ढह जाएगी कर्नाटक सरकार। सब जानते हैं कि ये सरकार जो कर्नाटक में चल रही है पिछले 1 साल से, इसमें 2 गुट हैं, एक सिद्धारमैया गुट है, एक डीके शिव कुमार का गुट है। डीके शिव कुमार को बड़ी मुश्किल से रोक करके रखा हुआ है कांग्रेस नेतृत्व ने, और अब इस बीच जब सिद्धारमैया पर इतने करप्शन के चार्जेस हैं और अब केस चलाने की अनुमति दे दी गई है, इस बीच कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार चाहेंगे कि उनको अब सत्ता में आगे बढ़ाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो जो सिद्धारमैया गुट के विधायक हैं वो यहां पर पासा बदल सकते हैं, या फिर डीके शिव कुमार के गुट के भी विधायक पासा बदल सकते हैं। तो इसलिए बीजेपी कह रही है कि अगर ये इस्तीफा होता है, पहले तो इस्तीफे की मांग की जा रही है, उसके बाद जो है 2 महीने में सरकार डह जाएगी। इसी बीच लगातार जो है चर्चाओं का दौर जारी है। आपको मैं थोड़ी सी ये भी जानकारी दे दूं कि सिद्धारमैया पर मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था, 7 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है, और इसमें एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेमी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जो है लगाए हैं। अब ये मुडा केस क्या है, इसके बारे में पहले आपको बता दूं, फिर प्रतिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। दरअसल साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो है कुछ जमीन जो है रिहायशी इलाके में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। इसके बदले मुडा के इंसेंटिव 50-50 स्कीम के तहत अधिग्रहित भूमि मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या फिर एक वैकल्पिक साइट दी गई थी। 1992 में मुडा ने इस जमीन को डी नोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया था। 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मुडा ने किसानों को डीनोटिफाई कर वापस कर दिया, यानी एक बार फिर से जमीन जो है वो कृषि की जमीन बन गई। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूरु जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुटा जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट दी थी। मुडा ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास किया था। हालांकि जमीन के बदले 2022 में बसवाराज बोमई सरकार ने पार्वती का साउथ मैसूरु के पास इलाके में 14 साइट्स दिए थे। इनके 50-50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,283 फीट जो है यहां पर वर्ग एरिया था। तो तमाम चीज़ें इसमें निकल करके सामने आई, धोखाधड़ी का पूरा मामला, और अब जो है यहां पर केस चलाने की मंजूरी दे दी गई राज्यपाल की तरफ से। लेकिन अब देखिए बातें क्या हो रही हैं। जी परमेश्वरा जो होम मिनिस्टर कर्नाटका गए हैं, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। नो वी हैव द बैक ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स इन द मॉर्निंग वी आर हैविंग अ कैबिनेट मीटिंग एट 5 o'clock। सो व्हाट कम्स आउट विल टेल यू लेटर। Sir, the BJP has demanded for the resignation of the Chief Minister. Do we see that happening? No, I don't think it is necessary at this point of time. We have already clarified in the morning also that Chief Minister need not resign. So, you know, we will take the route of legal proceedings. So your party has also questioned the role of the Governor, sir. In yeah, we have. We have right from the beginning. We have said that, you know, you have no material to sanction a prosecution because there is no inquiry which is mandatory in this particular case. Sir, Governor has misused his power, sir. That's what we have been alleging. That's what we have been saying, that you know, Governor office is being misused. So you think after Tamil Nadu and other state, Karnataka also joins this team of opposing the government? Among those states, Karnataka now joins
in the list. So what is the next course of action, sir? Now we are going, legal. We are filing petitions, maybe on Monday, Tuesday. And then we'll see what happens. तो सुना आपने होम मिनिस्टर कर्नाटका के, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि टाइम पर जो है रेजिग्नेशन देना चाहिए सिद्धारमैया को। कह रहे हैं कि इसमें गवर्नर ऑफिस का जो है रोल गलत है, गवर्नर ऑफिस जो है मिसयूज किया गया है बीजेपी की तरफ से। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि आगे बीजेपी की भी आपको प्रतिक्रिया इस पर बताएंगे, लेकिन एचके पाटिल जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस मामले में क्या कह रहे हैं वो सुनिए। विल फाइट अगेंस्ट दिस गवर्नर्स डिसीजन, विल टेक लीगल कोर्सेस आल्सो, एंड लेट मी टेल यू, दिस टाइप ऑफ डिसीजंस विल ओनली वीकन द डेमोक्रेसी एंड द फेडरल सिस्टम, एंड विल टेक अप द इश्यू इन ऑल पॉसिबल अप्रोप्रिएट लीगल forums. No, that question will not arise. This is a decision about or the resignation of chief minister will not arise. तो देखिए एच के पाटिल क्या कह रहे हैं कि हम जो है गवर्नर के इस डिसीजन के खिलाफ लड़ेंगे, ये डिसीजन जो है हमारे लोकतंत्र को जो है वीक करता है, कमजोर करता है। और आगे कह रहे हैं जो रेजिग्नेशन का इशू है ये उठना ही नहीं चाहिए। अरे कमाल हो गया, अभी तो राहुल गांधी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दे करके सेबी चीफ का इस्तीफा मांग रहे थे, बात बात पर आप तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगते हैं, और यहां पर तो पूरा भ्रष्टाचार का एंगल निकल करके आया। केवल केस चलाने की अनुमति दी है, क्यों इतनी बोखलाहट है कांग्रेस के नेताओं में? दे दीजिए इस्तीफा, जो सलाह बाकियों को देते हैं पहले खुद उसकी एग्जाम्पल सेट करके दिखाइए ना दुनिया को। फिर आगे सलीम शेख जो है चीफ व्हिप है कर्नाटक असेंबली में, वो कह रहे हैं, उनको सुनिए क्या कह रहे हैं। टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल जो डिसीजन गवर्नर ने लिया है, सिर्फ बीजेपी के लोगों के कहने पर डिसीजन लिया है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सिद्धरामैया पर कोई केस नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, कोई एक आदमी जो डूबियस कैरेक्टर है उसने कंप्लेंट फाइल किया, उस पर आज जो गवर्नर ने सैंक्शन दिया है, इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम पूरी पार्टी, पूरी सरकार सिद्धरामैया के साथ में है, हम लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी में भी लड़ेंगे, पार्टी के अंदर भी हमने डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोटेस्ट किया है राष्ट्रपति के गवर्नर के खिलाफ, और हम सरकार जो पूरी सरकार, पूरी पार्टी, पूरी विधायक सिद्धरामैया के साथ। सर बीजेपी वाले रेजिग्नेशन पूछ रहे हैं सीएम का, क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए, हम कहेंगे कि सीएम किसी हालत में ज्वाइन नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन पर कोई आरोप नहीं है, सिर्फ राजकीय प्रेरित डिसीजन है ये। केंद्र सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है दिल्ली में बैठ के कर्नाटक की सरकार को, हुकूमत को हटाना चाहती है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, कोर्ट जाना चाहेंगे क्या? हम अभी लीगली जो है, लीगल जो करना है हम लोग करेंगे। तो ये आपने सुना चीफ व्हिप कर्नाटक असेंबली के सलीम अहमद, वो कह रहे हैं कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, पूरी पार्टी सिद्धरमैया के साथ है, पूरी सरकार, पार्टी, विधायक सिद्धरमैया के साथ है। जो डीके शिव कुमार गुट के विधायक हैं वो तो पहले भी सिद्धारमैया के साथ नहीं थे, खैर आज क्या होंगे, ये बयान तो देना ही था। अब इस बीच अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। सीएन अश्वथ नारायण जो बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व सरकार में, बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वो इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। विन फॉर द डेमोक्रेसी इज अ विन फॉर द पीपल, द पीपल वॉइस इज बीन वेरी वेल हर्ड सिंस द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका वॉज फेसिंग ए करप्शन चार्जेस for the misuse of power with regard to the Muda scam, where is personally him and his family has been benefited by the misuse of power, and with the evidence and the prima facie is very clear, probably the Honorable Governor has given permission for the prosecution and for the investigation against the Chief Minister based on the prima facie. So it is very clear there is an involvement of the Chief Minister. Immediately the Chief Minister, if you have got any respect for the law of the land, you should immediately resign from his office. From the Chief Minister position, he should immediately resign and uphold the law of the land. But so they are saying this is conspiracy against CM and the government. Yes, yes, when they are looting, when they are benefiting, when they do the scam, then it is not conspiracy. Who is this conspiracy? Conspiracy by himself, for himself. See, he has done looting or the misuse or abuse of power. So since he has done it, he has to face the music of the law.
So he has to face the punishment. He has to be punished. He should leave the place. It is not his private property. This is a public office. Being facing that kind of, you know, allegation or the charges against himself, a corrupt chief minister, how good can he be for the good of the state? It is not in the interest of the state. Is there no other alternative leader for Congress? Congress is for corruption. That proves very clearly the Congress is for corruption. Corruption means Congress. So they don't care for the people. They don't care for the constitution. They are just for the one individual. They are not for this 6.5 crore people of this state or the country. So I call upon the Congress party, if you have got little bit respect for the constitution or for the democracy, immediately take action against your chief minister, since he is not resigning on his own, which he should have done it. So he should have now, Congress party, Mr. Rahul Gandhi, wake up, Mr. Mallikarjun Khargay, wake up, take action against your own chief minister and ensure that the public office, it is people's office, is not been misused, not for the personal benefit of any corrupt person. Nobody is stopping you to going to the court. Nobody is stopping. But since he is having a prima facie against the chief minister of the state, Mr. Siddaramaiah, you should resign. Then go anywhere. Who is preventing you? Go to court, go here, there, anywhere. But now resign. Respect the law of the land. Resign. That's all. तो यहाँ पर सीएम अश्वथ नाथन कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है, लोगों की जीत है, सीएम ऑफ कर्नाटका जो कि करप्शन चार्जेस फेस कर रहे हैं पावर के मिसयूज के लिए, मुडा स्कैम के तहत फैमिली को बेनिफिट किया गया है पावर का मिसयूज करके, प्राइमा फेसिया एविडेंस जो है वो काफ़ी क्लियर है, इसमें सीएम की इन्वॉल्वमेंट है और लॉ ऑफ लैंड को रिस्पेक्ट करते हुए उनको यहां पर इस्तीफा देना चाहिए, मिसयूज किया है उन्होंने पावर का। तो कर्नाटक में उठापटक लगातार जारी है, अलग अलग प्रतिक्रिया भी हमने आपको बताई है यहां पर कांग्रेस की, बीजेपी की, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा हुआ तो उसके बाद 2 महीने के अंदर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर सकती है, जो आपसी मनमुटाव है उसके चलते। बहरहाल आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।